गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक ऐसी वीडियो मैथ की बनाने जा रहे हैं जिसमें उन बच्चों को मैथ, ये वीडियो बहुत कंपलसरी होगा उनके लिए जिनको मैथ हल करना नहीं आता, मैथ सॉल्व करना नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कोई भी मैथ, चाहे जिस क्लास की हो, यदि नहीं आती तो उसका सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि मैथ आपको सॉल्व नहीं करना आता। तो आज इस वीडियो में, चाहे वो कक्षा 5 से स्टार्ट कर रहा हो, चाहे जिस लेवल तक बच्चा हो, ये सीख सकता है कि मैथ को सॉल्व करना कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे छोटी इकाई, यदि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है, उसके बाद की बातें हम करेंगे, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह आप सब लोग को आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी इकाई बटा के जोड़ से स्टार्ट करते हैं, जो अपान का एडिशन होता है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ से लेकर 0 to 0 लेवल तक चलेंगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। यस, माई नेम इज संजय मिश्रा एंड दिस इज द योर यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ्स। बच्चों, इस वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कुछ हम लोग बटे का जोड़ देखेंगे, बहुत छोटी चीज़ें से चल रहे हैं। यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो और ठीक है, इसको सीख लीजिए आप। जिससे मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाए, तो इसको हम दो तरह से लगाते हैं, एक तो एलसीएम मेथड होता है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप लोग जिससे मान लीजिए कुछ नहीं जानते, आपको बटा का जोड़ नहीं आता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सीख लीजिए इसको। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 प्लस 3 × 3 और बटा 7 × 21। क्लियर? अब ऊपर जोड़ देंगे 7 × 3 = 10 / 21, ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से लगेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से सवाल आ जाए, एक ये आ गया, तो जब 3 डिजिट आ जाएंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम 2 को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अब तीसरे। अभी मैं आपको एलसीएम मेथड बताऊंगा जो एक ही बार में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हम बटा इसीलिए बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए इसकी तरह, उसके बाद 1 डिजिट ऐसे बन जाएगा, फिर उसको इसकी तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 7 × 7, 4 × 4, 7 × 28 -1/3। 7 × 4 कितना आ जाएगा? 11/28 -1/3। अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 11 = 33 क्या होगा? 33 -28 × 28 और 3 × 28 कर दीजिए। अब 33 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, प्लस में बचेगा 3 × 28। अब 28 को 3 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लगता है। दूसरी समस्या क्या है, आप दूसरा तरीका क्या देखेंगे? आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, आपको यदि नोट करना हो तो आप वीडियो को वहाँ पोज करके नोट कर लिया करें। ठीक है, करना क्या है, यदि मान लीजिए बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस आए, कुछ नहीं करना है आपको, जिधर प्लस था वहाँ माइनस करना है। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि एक प्लस है दूसरा माइनस, यदि चिन्ह विपरीत है तो चिन्ह घटता है, यदि साइन अपोजिट है तो माइनस होगा, अरे सेम है तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर दोनों प्लस प्लस हैं तो वहाँ प्लस का लगेगा, ये दोनों माइनस माइनस है तब भी प्लस होता है, फर्क इतना है कि इसका चिन्ह आगे लग जाता है। क्लियर? लेकिन एक प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो इनका माइनस होता है और उन्हीं का आगे चिन्ह लगता है, घटाएंगे लेकिन उन्हीं का आगे चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, जिनका प्रभाव ज़्यादा होगा। अब माइनस होगा तो 7 में से 3 जाएगा, क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस है और चिन्ह विपरीत होने पर क्या होता है? घटता है बच्चों। ठीक है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े वाले का लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियर आया समझ में? चलिए ठीक है, ये तो था बटा का जोड़ और घटाओ। अब हम इसको एलसीएम मेथड से समझते हैं, कैसे एलसीएम से लगता है, तुरंत कैसे लगेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से सवाल है कि 1/3 + 1/7 -1/4 +1/2 मान लो। ठीक है, इस तरह से लिखा है। अब हम चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें। वैसे तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि पहले 2 को करो, फिर तीसरे के साथ करो, फिर उनको सॉल्व करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ और आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। यदि आपका ऐसा नहीं हो रहा है तब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने का मतलब ऐसा अंक लिखिए या उन सभी डिजिटों के लिखिए जो सब मिल जाएं। तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे, इतना लिख दिए। अब हम सोचें कि 2 इसमें मिल रहा या नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि 2 × 4 में 2 मिलेगा ना, लेकिन 7 के अलावा और किसी में नहीं मिल सकता, 3 नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, एलसीएम को कैसे लेते हैं, इनके नीचे वाले को पकड़िए, इनसे भाग कर दीजिए,
तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 7 × 4, 7 × 4 = 28, यानी 28 × 1 = 28 गुणा कर दो, बीच में जो चिन्ह है वही लगा दो, 7 को पकड़ो भाग कर डालो, तो क्या बचेगा 7 तो कट गया, 4 और 3 = 4 दिया ही, गुणा का चिन्ह है ना, तो उस 12 × 1 क्या आ जाएगा 12 मान। फिर 4 से भाग करेंगे, जब हम 4 से इसको भाग करेंगे तब क्या आएगा कि 4 से 4 काटेंगे तो 4 तो कट गया, तो बचा क्या 7 × 3, तो 7 × 3 = 21, और उस 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ 2 होता तो 2 से करते, तो क्या आ जाएगा 21 × 21 प्लस 2 से भाग करेंगे, तब जब 2 से भाग करेंगे तो ये 4 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 7 × 21 = 42, और उस 42 × 42 बस सिंपल है, और कुछ नहीं करना है, आप जोड़ दीजिए, प्लस वाला जोड़ दीजिए, माइनस वाला माइनस कर दीजिए, तो आप देखिए 42 में से 21 जाएगा तो 21 बचेगा, तो 28 और 12 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और प्लस 21/3 × 7 × 4, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 61 आ जाएगा, 3 × 7 × 4, आप चाहें तो 61/7 × 21 = 84, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल, ये समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, ना समझ में आए तो भी बताइए, ज़रूर बताइए बिल्कुल। चलिए ये तो रहा बटा का एलसीएम वगैरह था, अब हम यदि 2, 3/1 ही में लग जाए तब कैसे लगता है, देखो इसे मान लीजिए कहीं कहीं कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं 1/3 + 1/4, उसके बाद पूरे बटा लगावा 1/5, इस तरह से सवाल आ जाए, अब इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है जिनको नहीं आता उनको, ठीक है, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ आ रहा है, तो इनको करना कुछ नहीं, सबसे पहले ऊपर वाले को आप एक अलग नज़रिए से देखिए, नीचे वाले को अलग नज़रिए से देखिए, जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 दिख रहा है, तो 4 × 4, बीच में जो चिन्ह है वही लगाइए, 3 × 3/4 = 12, बड़ा वाला बटा लगा दीजिए, फिर 1/5 ऐसे रहने दीजिए, क्लियर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 × 3 = 7/12, पूरे का बटा लगाएंगे 1/5, अब कुछ नहीं करना है, ये ऐसे उंगली रखिए और जो सबसे नीचे वाला है इसको पलट कर सबसे ऊपर ले जाए, तो ये जो ऊपर वाला है ऑटोमेटिक बगल वाले के साइड में आ जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा देखिए, 7/12 तो ऐसे रहेगा और जब पलट जाएगा तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 यानी पलट दीजिए, वैसे आप कह सकते हैं कि ये भाग में है, यदि हम इसको पलट देंगे तो गुणा में हो जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट ये है, क्लियर। अब इसको आप चाहें तो 7 × 35 = 12, इस तरह से होता है, क्लियर आ रहा है समझ में ना, ठीक। अगला स्टेप देखिए, जिससे मान लीजिए कहीं गुणा आ जाए 2, 3 × 3 × 4 × 12/3 × 7/21 × 14 + 3/2 आ जाए, अब हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो कुछ बच्चों का तो मन कह रहा होगा कि यहाँ 3 से 3 आराम से कट जाएगा, बिल्कुल कट सकता है, आराम से कट सकता है, यहाँ 2 × 2 = 7, 19 = 14, ठीक कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, देखो जब कभी गुणा आ जाए तो आप गुणे को एक साइड में समझिए और बीच में प्लस माइनस हो तो अलग कर रहा है, क्या कर रहा है अलग कर रहा है उसको, तो वो नहीं कटेगा, केवल गुणा में नीचे ऊपर कटते हैं, जब गुणा लगा रहेगा इंटू का साइन रहेगा, इंटू का रहेगा तब नीचे ऊपर क्रॉस हो जाए कट जाएंगे, लेकिन ये प्लस है या माइनस है तो वो अगले जो स्टेप होगा उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। देखो 4 × 3 = 12, 12 × 12 कट गया, 7 × 21 = 21 कट गया, और जब ऊपर नीचे कटता है तो क्या बचता है 1 बचता है, तो 14 × 14 और प्लस 3/2, अब चाहो तो काट दो, 2 × 2 = 7, 19 = 14, ठीक, नहीं ऐसा नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, वही मैं आपको चेक कर रहा था कि आपको क्या लग रहा है, नहीं कटेगा, ये देखो ये 14 है, 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है, तो 1.5 और 3 का आधा कितना हो जाएगा, चलो हटाओ इस तरह से जोड़ो, 1/2 कर लो, किसी भी संख्या का 1/2 कर सकते हैं, गुणा 1 कर सकते हैं, घात 1 कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस 1 नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। 14 × 2 = 28, 3 × 3 = 2 × 2, 28 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 31/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व होगा,
क्लियर। तो हमने क्या सीखा कि यदि बीच में प्लस लगा है तो एक स्टेप वाला इधर ऊपर नीचे चाहे जितना काटिए कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हम प्लस या माइनस के अगले स्टेप में नहीं छलांग लगाएंगे, नहीं कूदेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर पे चाहे जो करें, दूसरों घर पे थोड़ा बहुत हरकत करेंगे तो सीधी सी बात है मारपीट पड़ जाएगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हाल होगा यदि हम दूसरे स्टेप में जाएंगे तो हमारा मामला गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में ना? ठीक, तो लाइक ठोको, आ रहा है तो बेटा चलिए ठीक की। और कुछ सीख लीजिए आप, ये तो रहा बटा का जोड़ वगैरह। अब आपको मैं क्या बता दूं, अब देखिए उसको हम भाग कैसे करते हैं। जिससे मान लीजिए एक बटा चार लिखा है भागे, तीन बटा दो लिखा है, अब ये भाग है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आगे वाले को ऐसे लिख दूं, और भाग का उल्टा गुणा होता है, पलट दो इसको, दो बटा तीन हो गया बस। अब गुणा है तो नीचे ऊपर काट भी सकते हो, दो दूनी, अब क्या बचेगा, इधर एक बटा दो आएगा और यहाँ एक बटा तीन, क्योंकि ऊपर नीचे करने से एक बचता है। अब गुणा में हमारा क्या तरीका होता है भैया, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर लो, लेकिन प्लस माइनस होता तो कैसे गुणा करो, फिर नीचे नीचे गुणा करो, यही तो होता, बोलो यही होता ना? ठीक, तो एक एकम एक और तीन दूनी छः, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, क्लियर है ना? ठीक, और देखो इससे एक बटा तीन प्लस एक बटा दो लिख दिया, और अब भागे हम एक बटा चार लगा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, पहले इनको जोड़ दो, इनको पहले जोड़ दो उसके बाद इसको पलट दो, दो एकम तीन एकम तीन दूनी तीन दू तीन दू पाँच हो जाएगा ऊपर ना, पाँच बटा और नीचे तीन दूनी छः, भाग एक बटा चार लगा है ना, कुछ नहीं करना है, पाँच बटा छः ऐसे रहने दो, अब इसको गुणा कर दो, चार ऊपर पहुँच जाएगा एक नीचे। हमने क्या बताया, भाग हो तो ध्यान रखना हम पलटेंगे, लेकिन पीछे वाले को आगे वाले को ना पलटेगा, नहीं गलत हो जाएगा बिल्कुल। पीछे वाले को पलट के क्या करेंगे, भाग कर देंगे। आप चाहो तो कर दो, दो दूनी चार और तीन दूनी छः, तो कितना आ जाएगा, पाँच दूनी दस, तीन एकम तीन, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, आ रहा है समझ में ना? ठीक, यदि आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। चलिए, ये तो सब रहा बटा का जोड़ वगैरह घटाव वगैरह हो गया। अब हम क्या, हाँ अब हम लोग कुछ रूढ़ की तरफ चलते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पहले आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे रखा है अंडर रूड, अंडर रूड यक्स दे रखा है। अब यदि अंडर रूड यक्स लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का घात आधा लगा है। क्या लगा है, आधा। जैसे सुनो, आप लोगों ने घात स्क्वायर देखा होगा, क्यूब देखा होगा, पावर फोर देखा होगा, पावर फाइव देखा होगा, इस तरह से देखे होंगे आपने। ठीक, बड़ी अच्छी बात है देखे हैं, लेकिन घात एक भी होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि हम लोग जब लिखते हैं तो एक्स को एक्स रहता है, उसका पावर एक नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये नहीं कहता कि हमारे पापा हैं तो कितने पापा हैं, वहाँ पर नंबर नहीं लिखते, कि लिखते हैं नहीं लिखते हैं, क्योंकि पापा हैं तो एक ही पापा होंगे। ठीक है, बाई चांस कहीं अपवाद ना हो कोई, तो अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ एक हाथ की, तो जब कहीं अकेला रहता है तो उसका हम पावर एक मान लेते हैं, इसको लिखते नहीं हैं। इसी को हम लोग रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक, रैखिक लीनियर हम उन्हीं को कहते हैं जिनका पावर एक होता है, और जब द्विघात होता है तो उसको द्विघाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघाती, और जब तीन घात होगा तो उसको घनीय कहते हैं, या तीन घात्री घात कहते हैं, फिर चार घात पाँच घात। अब जैसे घात एक स्क्वायर क्यूब तो बना, लेकिन उसके बाद नाम नहीं बना, उसके बाद पावर में पढ़ते हैं, पावर चार पावर पाँच पावर छः, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो वही आपने घात चलो प्लस में देख लिया, अब हम देखते हैं घात क्या माइनस में भी होता है। बिल्कुल होता है, घात माइनस में होता है, लेकिन यदि मान लीजिए कहीं लिखा है यक्स का स्क्वायर, तो आप लोग को पता है या सबको मालूम होना चाहिए, जिनको नहीं पता तो हम बताने के लिए वीडियो आपको बना रहे हैं, कि जो ये यक्स है यदि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, घात का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका जो एक्स का पावर है इसका साइन अपोजिट हो जाएगा जिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, एक को ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। ठीक, जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो अब हम ये समझ गए कि घात माइनस में कब होता है, जब कोई चीज़ बटा में से ऊपर जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। दूसरी चीज़ें समझिए, मान लीजिए यहाँ लिखा है चार बटा पाँच, तो चार बटा पाँच एक डिजिट है, अब हम चाहे तो इसको ऐसा भी इसका पावर एक लिख दें, चार गुणे पाँच का पावर माइनस एक लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यानी हमारे कहने का मतलब सिर्फ केवल इतना है
कि यदि कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाती है, अंश हर से अंश में जाती है, तो गुणे का चिन्ह लग जाता है और उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। बस यही कहने का मतलब है, क्लियर। जैसे और समझिए, जैसे लिखा है 3/x^4 या -4, इसका सिंपल ही है कि ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। भैया माइनस है तो बदल के क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 4 हो जाएगा, इस तरह से लगता है, क्लियर। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का घात यदि नीचे से या नीचे कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके पावर का या घात का चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है, घात नहीं बदलता, नहीं 4 के बजाय कहो 2 हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदलता है। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, घात कब हो, गुणा भाग में नहीं होता, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ नहीं कहो गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुणा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात समझिए, जिसे मान लीजिए लिखा है 3/x^4 -4। अब हम चाहते हैं कि इसको इसके घात का माइनस हटा दें, घात का माइनस हटा दें, तो कुछ नहीं करना है, केवल गुणे 1/x^4 लिख दो, क्योंकि अभी अभी आपको मैंने बताया ये जो माइनस था ये नीचे से ऊपर गया होगा, तो ऊपर से नीचे आएगा तब भी बदल जाएगा। यानी कोई भी संख्या का घात यदि नीचे से ऊपर जाता है तो भी बदलता है, और वो संख्या जो ऊपर से नीचे आए तब भी घात चेंज होता है, क्लियर। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट शिफ्ट, अब हम लोग चलेंगे रूट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मुश्किल से पूरा रूट समझ में आता है, रूट बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, इसीलिए उनको कभी रूट का यह सवाल आ जाए या कोई दिक्कत तो बड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो यदि कहीं इस तरह से रूट दिखता है, इसको हम करणी भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, या वर्गमूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग नहीं बोलते, वर्गमूल बोलते हैं। वर्ग और वर्गमूल में बड़ा अंतर होता है। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या के 2 लगाने से वर्ग बनता है, लेकिन वर्गमूल क्या बनता है, 1/2 लगाने से क्या बनता है, क्या लगाता है, आधा। यानी 2 होगा, 2 होगा तो वहाँ वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। यदि हमारा इस करणी स्क्वायर रूट का बनता है, स्क्वायर रूट बनने के लिए 1/2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाफ लगाते हैं। तो ये 1/2 हो गया। दूसरी बात समझिए, यदि मैं इसको 2 लिख दूँ, चलिए कुछ जब और समझ लीजिए तब बता रहा हूँ। जैसे यदि कहीं किसी भी संख्या का आधार समान हो, क्या समान हो, आधार, इसको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, ठीक। यदि आधार समान हो तो उनका घात जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए, तो ये आधार समान, तो घात 1 लिखेंगे और 4 × 3 = 7 लिखेंगे, क्लियर। दूसरी बात समझिए, यदि मान लीजिए 3/2 लिखा है, यहाँ पर 9/4 लिखा है। अब हम चाहते हैं कि आधार समान नहीं है, तो आधार समान ना हो तो आधार समान करने का तरीका हो रहा है, यदि पॉसिबल है तो आप कर लीजिए आधार समान। कैसे करेंगे, 3² लिखेंगे, यहाँ जो 9 है इसको हम 3² का पूरा घात 4 लगा दें, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये 4 × 2 = 8 गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो 3² और गुणे 3² 4 × 2 = 8। अब जोड़ दीजिए, आधार समान है 1 लिखे, 8² कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लगता है, मतलब हमें बात ये समझ में आई है, कोई भी संख्या हो यदि वो संख्या सेम है तो उनका जो आधार समान होगा, पूरे बेस जो उसका इक्वल होगा, देन पावर इज द एड, क्लियर। पावर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। हमारे कहने का मतलब सिंपल और सिर्फ इतना है कि यदि मान लीजिए कहीं -3 लिखा है और इसका 4 है, -4 है, और कहीं 3 लिखा है और इसका 8 लिखा है, तो आधार जुड़ेगा। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर ये माइनस ना हो तो जुड़ने का मतलब इतना हुआ कि आधार में -4 और +8 जब जुड़ता है तो ये एक्चुअली चिन्ह अपोजिट बनता है, तो ये घट जाएगा। हम जोड़े तो हैं लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो क्या होगा, 3² बनेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि आधार समान होगा तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्लियर। आप लोग नोट इसीलिए नहीं करा रहे हैं कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर पहुँच करके नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोबारा। चलिए अगली चीज़ें देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए आप, किसी भी संख्या का घात 0 होता है, कोई भी पावर हो, प्लस हो, माइनस हो, जो भी हो, लेकिन 0 को छोड़कर कोई भी संख्या है और यदि उसका घात 0 है, मान लेते माइनस यन कोई नंबर है, यक्स कोई चर राशि है, जेड कोई चर राशि है, वो चाहे माइनस में हो या प्लस में उससे मतलब नहीं है, लेकिन 0 का पावर भी 0, 1 का पावर 0, कोई भी संख्या हो,
तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। लेकिन ये चीज़ें नहीं ली जाएंगी, यदि ये हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी हमें क्या बात समझ में आई, ये नंबर दो फार्मूला, सबसे बेटर फार्मूला, किसी भी संख्या का पावर जीरो हो, वो संख्या माइनस हो, प्लस हो, चर हो, अचर हो, कांस्टेंट हो, उससे मतलब नहीं है। ये तो उसका पावर जीरो है, पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। क्या आएगी, वन आएगी। बोलो कितना आएगी, वन आएगी। क्लियर। यानी ये संख्या का पावर शून्य तो उसकी वैल्यू वन। सिद्ध करके दिखाएं, दिखाएं। चलो देखो, मान लीजिए एक्स का पावर जीरो है, हम लिख सकते हैं एक्स का पावर वन माइनस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। वन में सेवन गया, वन में सेवन गया, जीरो आया ना, ठीक। हम क्या करेंगे, एक्स का पावर वन लिखेंगे, गुणा लगा के एक्स पावर माइनस वन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया आधार समान होगा तो घात जुड़ा होगा, बताया नहीं बताया, बिल्कुल बताया ना, ठीक। अब देखिए क्या, एक्स का पावर वन और इसको लिखेंगे एक्स का पावर वन, ठीक। बटा में कर सकते हैं, मैंने अभी अभी इसी बताया है। आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, अलग काट काट कर देखेंगे तब कहाँ से आपको पूरा समझ आएगा। अभी बताया मैंने, ये संख्या माइनस में है तो उसको वन अपान में प्लस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और गुणा में नीचे ऊपर काट दीजिए, समान चीज़ें मिले तो क्या बच गया, वन। यानी ये चीज़ें प्रूव्ड हो रही हैं कि किसी भी संख्या का पावर जीरो एक होता है। क्या होता है, एक हो रहा है। कैसे मैंने सिद्ध कर दिया, पावर जीरो को मैंने वन माइनस वन कर दिया, क्या कर दिया, वन माइनस वन कर दिया, और ये वन में से माइनस वन घटा दिया और इसको अपान में लिख दिया और ये नीचे ऊपर वाला कट गया, बचा क्या, वन। और यहाँ वन बचेगा, एक से मल्टीप्लाई करने पर एक ही तो आएगा, ठीक है। क्लियर हुई थी बातें, तो हमने क्या सीखा, यदि किसी भी संख्या का घात जीरो तो उसकी वैल्यू जीरो, क्या है, उसकी वैल्यू जीरो है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, और समझिए। अभी रोड पर हम लोग बाद में चलेंगे, बहुत टाइम है, बहुत चीज़ें बाकी हैं। आप दूसरी चीज़ें सीख, किस यदि को दो संख्याएं बटा में लिखी हूँ, किस में लिखी हूँ, बटा में, और ऊपर जीरो आ जाए, नीचे कोई संख्या है, वो संख्या माइनस में हो, प्लस में हो, एक हो, अनंत हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जीरो बटा जीरो हो, जीरो बटा कुछ भी हो, यानी यन कोई नंबर, के कोई पूर्णांक, कोई कांस्टेंट है, यदि संख्या के ऊपर जीरो है, बटा के ऊपर जीरो है, अंश में क्या है, जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। हमने क्या सीखा, यदि किसी भी संख्या के ऊपर जीरो दिख रहा है, नीचे चाहे कांस्टेंट हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यदि ऊपर जीरो है तो उसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। उसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। तो हमने यही बताया कि नीचे चाहे जो लिखा हो, जीरो भी लिखा हो, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर आया, समझे। दूसरा चीज देखिए, अब प्रॉब्लम है, जब नीचे जीरो आएगा तब क्या होगा, ये संख्या के नीचे जीरो आ जाए तब क्या होगा। मान लीजिए तीन बटा जीरो लिख दें, पाँच आठ बटा जीरो लिख दें, माइनस यन बटा जीरो लिख दें, यन कोई नंबर है, जीरो के नीचे जीरो लिख दें, एक के नीचे जीरो लिख दें बच्चों, के नीचे, के मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। इसी को हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं, आप परिभाषित भी कहते हैं, अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइंड ना कर सकें। अरे भाई, अनंत पर कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, आप जहां पहुंचेंगे उसके आगे अनंत माना जाएगा, तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उसको हम कहते हैं परिभाषित नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनडिफाइंड है, इसको डिफाइंड नहीं कह सकता, ये अपरिभाषित है। क्लियर आया समझ में, तो ये सब क्या है, अपरिभाषित है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त उठ रहा होगा कि सर, जीरो बटा जीरो तो जीरो, और जीरो बटा जीरो तो अनंत, आप हम कौन सा माने, ये समस्या है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऊपर जीरो है, तो हम प्रायोरिटी इसको देखेंगे ना कि इसको, यानी यदि जीरो के नीचे जीरो आ रहा है तो अनडिफाइंड नहीं जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, आपने तीन चीज़ें सीखी, क्या सीखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, किसी संख्या का पावर जीरो एक होता है, किसी भी संख्या का पावर जीरो एक होता है। दूसरी चीज़ें क्या सीखी बच्चों, मैंने ये सीखा कि अपान में दो नंबर लिखे हैं और ऊपर वाला डिजिट जीरो है, नीचे चाहे जो नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, काउंटेड, डोंट माइंड, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन यदि नीचे जीरो आ जाए, ऊपर चाहे जो नंबर हो, तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन जीरो को छोड़कर, यदि जीरो के नीचे जीरो आ रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, चलिए ठीक है। यदि इतनी समझ में आ गई तो अब आपको रोड की ओर ले चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। नोट हो गया, नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
चलिए प्लीज। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे रूट के बारे में, कुछ देखते हैं कि अंडर रूट वाला कैसे होता है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मान लीजिए लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखा है तो मतलब उसका पावर हाफ लिखा है। क्या लिखा है? हाफ लिखा है। यदि मान लीजिए यहां पर रूट एक्स लिखा है लेकिन यदि यहां क्यूब लिखा है तो ये क्यूबिक रूट पूछ रहा है, मतलब घनमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घनमूल पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे x का पावर 1/3 लिखा है। क्या लिखा है? 1/3। ये तो कहीं ऐसा दिख जाए, आपको ऐसा भी मिलेगा, तो समझ लीजिए कि पावर 1/4 लिखा है। क्या लिखा है? पावर 1/4 लिखा है। क्लियर? अब आप ऐसे समझ लीजिए 5 लिखा होगा या n कोई संख्या हो तो समझ लीजिए कि 1/5 n लिखा है। क्लियर? लेकिन अब यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखना चाहिए था, यदि लिख दें तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि नहीं लिखा है तब भी 2 ऑलरेडी माना जाता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ना? अब और चीज़ें क्या होता है, यदि हम कहीं रूट एक्स को हटाना चाहें, रूट हमारा कब हटता है? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स, इसका मतलब पावर 1/2 गुणे पावर 1/2। आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, आधार समान है, घात जुड़ जाएगा। तो x का पावर आधा और आधा कितना होता है बच्चों? आधा आधा एक ही तो होगा। 1/2 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि ये दो संख्याएं समान हो और गुणा में हो और रूट लगा हो तो एक बार आती हैं, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एक बार। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ही गुणा हो, ऐसा लिखा हो कहीं, ऐसा लिखा हो कहीं, ठीक है, तो इन सब की वैल्यू एक ही बार लिखते हैं, इन सब की वैल्यू एक ही बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1/2 1/2 2 से तुरंत कट जाएगा, यहाँ पावर 1/2 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 बार है घात आधा जुड़कर एक आ जाएगा तुरंत। ठीक है, यानी वर्गमूल में हमें क्या समझ में आई, यदि हमारा वर्ग हो रहा है स्क्वायर में मिला है सेम नंबर का तो रूट हट जाता है, रूट गायब हो जाता है। क्लियर? घनमूल में कैसे होता है, ये 3 डिजिट लिखा हो यक्स यक्स यक्स, लेकिन यहाँ घनमूल में हर हाल में 3 देगा तब मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब लिखा है यक्स। यहाँ 3 तो 3 का जोड़ा बनाइए, 2 तो 2 का जोड़ा बनाएं, और ये 4 लिखा है तो हम 4 लोगों का जोड़ा बनाएंगे तब भी बाहर आएगा, उसके पहले बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने क्या समझा, यदि रूट लगा है तो 2 लोग का जोड़ा बनेगा तब एक बार बाहर आएगा, क्यूब लगा है तो 3 का बनेगा, 4 लगा है तो 4 का पावर लगेगा, पावर 4 है, 1/4 है, तो हम 4 लोग को देखेंगे तो 1 लोग को बाहर कर देंगे। क्लियर? इस तरह से हमारा रूट वाला कुछ होता है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इनका गुणा कैसे होता है रूट में और जुड़ते कैसे हैं ये लोग, इनका हम लोग मल्टीप्लाई थोड़ा सीखते हैं कैसे होगा। जैसे समझ लीजिए कोई क्वेश्चन है रूट 5 गुणे रूट 3, तो हमें करना क्या है, यदि ऐसा कोई संख्या आ जाए 2 के दोनों डिजिट हों तो कुछ नहीं करना, एक बार रूट लगाइए और 5 3 15 कर दीजिए। ठीक, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं रूट 5 लिखा है और यहाँ रूट 3 लिखा है लेकिन यहाँ घनमूल लगा है, क्या लगा है? घनमूल, तो मैं इसको गुणा नहीं कर पाऊँगा, इसको गुणा नहीं किया जा सकता, बहुत यदि हो गया, हद हो गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 का पावर 1/2 है भैया और 3 का पावर 1/3 है, बाकी इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। यदि हम गुणा भी कब कर पाएंगे, जब इनके वर्गमूल यानी पावर रूट का पावर समान हो, रूट का पावर बोले तो 1/2 हो या 1/3 हो तभी गुणा होगा, उसके पहले गुणा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ समझिए, यदि मान लीजिए रूट 3 लिखा है और यहाँ पर रूट यक्स लिख दें, क्या लिख दें? यक्स, और हम देखें क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अफकोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी पावर 1/2 उनका भी पावर 1/2 है, इसीलिए हम रूट 3x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट 3x लिख सकते हैं। अरे देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 1/2, यहाँ x का पावर 1/2, आप चाहो तो 3x का होल पावर 1/2 कर सकते हो। अब जब कभी नीचे दो संख्याएं गुणा में होती हैं, किस में होती हैं? मल्टीप्लाई में होता है, तो उसका पावर दोनों पर आ जाता है, यानी 3 पावर 1/2 × 3x पावर 1/2 आ जाएगा। क्लियर? हमने क्या देखा, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सबके सब बात सेम है। क्लियर? लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ भी पावर 2 यहाँ भी पावर 2 ना कि 3 हो जाए, यदि 1/3 हो गया तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। क्लियर?
बोलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या होगा। चलिए ये तो हो गया, अब हम गुणा की भाग की बात करें। मान लीजिए 12 लिखा है बटा x लिखा है, अब यहाँ क्यूब लिख गया, मैं इसको कतई भाग नहीं कर सकता, या मान लीजिए 3 लिख गया, ये बिल्कुल भाग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तो यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, बस हमें कुछ नहीं करना है, 12 का पावर 1/2 लिख देंगे, ऊपर ले जाएंगे 3, 3 को लिखेंगे पावर 1-1/3। अब यदि हम और इसमें कुछ करना चाहें ही तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और देखो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं लिख दूँ 4×3 होल पावर 1/2 इंटू 3×3। यहाँ करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब ये पावर जो 1/2 है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो 4×1/2 इंटू 3×1/2 इंटू 3×-1/3। मैंने कहा था ये तो आधार समान तो घात को जोड़ देते हैं ना, 4×1/2 यानी 4 का हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2×1/2, और यहाँ लिखेंगे 3×1/2-1/3। इधर मैं जोड़कर दिखा रहा हूँ, 1/2-1/3, 3 × 3-2 = 2/3 = 4, यानी 1/6 आ जाएगा, यानी इसका मैं पावर 1/6 लिखा है, 2 से 2 कट गया, 2 का पावर है 3 का पावर 1/6। और इसको थोड़ा लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 और यहाँ पावर 6, तो यहाँ पावर 6 लगा देंगे। क्लियर आया समझ में? तो कैसे करेंगे, ये तो पावर ऐसा कुछ दिख जाए कि समान ना हो तो इसको पावर में लिखिए, फिर उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद जो उसका पावर हो दोनों पर डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद यदि आधार समान आता तब जोड़िए। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना बताएंगे, इसका जब हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, ये पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट सेकंड लेकर आएंगे तब मैं आपको रूट के बारे में और विस्तार से और अच्छे अच्छे चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, मैं वादा कर रहा हूं कि तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा, सब्सक्राइबर और शेयर रहेगा तो समझ लीजिए कि मैं आपको पूरा रूट के बारे में मैथ के छोटे छोटे पॉइंट के बिल्कुल कीड़े बना दूंगा, आप उसको चुन चुन कर चाट जाएंगे। ठीक है, तो ओके, तब तक के लिए बाय।